नमस्कार मित्रों, मुंबई न्यूज़ मेट्रो टाइम की तरफ से मैं रोहित खत्री, मैं आपको नाला सोबारा में जहाँ पे हमारा शासन का दुकान है, राशन का, जहाँ पे राशन दिया जाता है, वहाँ पे मैं लेके चलता हूँ आपको और हम बात करेंगे। हाँ मैडम, ये राशन जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या मिला है? कस्टमर से बात कर रहे हैं? दुकानदार से? तुम्हारा तो दुकानदार से कर रहे हैं? दुकानदार से कर रहे हैं। तो दुकानदार को दिया है अपने, पता नहीं अगर रेगुलर है ना, 59 के अंदर वाला, जो 59 के अंदर इनकम वाला है वो फ्री दिया है गवर्नमेंट। फ्री दिया है? अच्छा। चावल दिया। कितना कितना दिया है वो मेंबर के ऊपर? एक आदमी को 5 किलो। एक आदमी को 5 किलो। और अभी बाद में 60 के ऊपर वाले के लिए कुछ व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से? वो लोगों के लिए 8 रुपए किलो गेहूँ आएंगे और 12 रुपए किलो से चावल आएंगे। 2 किलो चावल है, 3 किलो गेहूँ, 5 किलो लोगों के। अच्छा, आएंगे अभी? यानी मतलब गेहूँ आया अभी, चावल आया। अच्छा, तो अभी ये चालू होगा, 60 के ऊपर वाला अभी चालू होगा। अच्छा, और जिसका कार्ड नहीं है उसके लिए क्या कुछ आपको ऑर्डर मिला है ऊपर से, कैसे करने का? कुछ नहीं, उसका आपके पास कोई अभी तक आया नहीं है बात, क्या करने का उसके लिए? पब्लिक भी हमें, हमको परेशान कर रही है, गांव का भी है, इधर का भी है, कोटा तो हमारा ही आ रहा है, हम गांव वाले को कहां से देंगे? लेकिन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया इसीलिए आपको परेशानी होती है कि वो भी हम भी क्या करें, हमको सरकार देंगी तो बांटेगा ना, हमको धमकी आने, उल्टा धमकी दे रहे लोग, हम उधर जाएगा उधर जाएगा, दुकानदार नीचे वाले को आया और अभी कल से आपका 60 के ऊपर वाले को चालू होने वाला है। और उसके कुछ फ्री में है कि कुछ पैसा वैसा लिया है? पैसा कैसा, कितना पैसा लिया है? 8 रुपए किलो गेहूँ है, 12 रुपए किलो चावल है। 8 रुपए गेहूँ, 12 रुपए चावल है। ओके, अच्छा, देख सकते हैं यहाँ पे प्रशासन किस तरह के काम कर रहा है। और अभी तक जो कार्ड जिसके पास नहीं है, जिसके पास कार्ड नहीं उसको कुछ अभी तक व्यवस्था नहीं की गई है, तो प्रशासन को हम ताकीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी व्यवस्था करे, क्या कि ये जो महामारी चल रही है जिसके चलते वो लोग भूखे मर रहे हैं, तो उनको कुछ हेल्प हो सके। तो गवर्नमेंट का हमें अनुरोध है कि वो यहाँ जल्द से जल्द अनाज पहुँचाए। ओके, मेट्रो टाइम में जुड़ने के लिए शुक्रिया।